दुर्ग के JRD स्कूल का 1,50,00,000 की लागत से हुआ जीर्णोद्धार। इस अवसर पर शहर विधायक एवं महापौर ने किया लोकार्पण। दुर्ग के वर्षों पुराने स्कूल JRD स्कूल का करोड़ों रुपए की लागत से जीर्णोद्धार कर इसकी रूपरेखा का नया स्वरूप दिया गया। इस अवसर पर शनिवार को स्वामी आत्मानंद JRD शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का लोकार्पण दुर्ग विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल के कर कमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर स्कूल के सभी छात्र छात्राओं ने आए हुए अतिथियों के स्वागत में गीत प्रस्तुत किया। विधायक ने स्कूल में नए भवन के लिए बधाई दी और स्कूली बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। लोकार्पण करने के लिए श्री हमारे चहेते विधायक जी श्री अरुण वोरा जी और महापौर जी आए हैं, हमारे बाकलीवाल सर, और हमारे 114 साल पुराना ये स्कूल है उसका लोकार्पण आज इतने साल बाद हो रहा है और हमें बहुत हम लोग सब गौरवान्वित हैं और हम लोग सब एकदम खुश हैं कि बच्चे भी बहुत खुश हैं कि इतने साल के बाद इसका एक नया स्वरूप देखने को मिला है और इसमें सभी का बच्चों का भी हाथ रहा है और सब ऊपर से सर का भी बहुत आशीर्वाद रहा है। और हमारे स्कूल में स्वामी आत्मानंद बनने के कारण पिछले साल से स्वामी आत्मानंद है, उस स्वामी आत्मानंद में इस साल बच्चों की संख्या बहुत अधिक है। लास्ट ईयर हमारे पास 800 बच्चे थे, इस बार 1,112 बच्चे हैं। तो उनके लिए ये लुक और इनके इतिहास में पहली बार उन्होंने इस प्रकार से लोकार्पण को देखा है। करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले स्वामी आत्मानंद JRD शासकीय स्कूल के ब्लॉक वी एवं CD का जीर्णोद्धार का विधिवत फीता काट कर उद्घाटन किया गया। विधायक ने इस मौके पर छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार शिक्षा व स्वास्थ्य सहित हर क्षेत्र में बेहतर काम कर रही है। प्राचीन स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल, आजकल झाड़ू राम देवांगन स्कूल के नाम से हम लोग जानते हैं। और बहुत लंबे समय से, लगभग अंग्रेज़ों के ज़माने से ये स्कूल यहाँ पर चल रही है। हमने भी यहाँ पर पढ़ाई की है और पढ़ाई करने के बाद जो जो यहाँ पढ़ा है वो ये मानकर चलिए कि वो उच्च शिखर पर ही पहुँचा है। सब चाहे कोई कलेक्टर बना है, कोई SP बना है, कोई विधायक बना है, कोई सांसद बना है, कोई मंत्री बना है और कोई सामाजिक कार्यों में अग्रणी रहा है। तो ये स्कूल जर्जर हो गई थी तो हमने करीब करीब 1.5 करोड़ रुपए की राशि खनिज न्यास मत से स्वीकृत कराई। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी वहाँ पर हमको आवश्यकता है, तो बोले आपकी जो बैठक होती खनिज न्यास में आप उसमें एक प्रस्ताव दे दीजिए, प्रस्ताव पारित हो जाएगा। तो प्रस्ताव पारित हुआ, लगभग 1,60,00,000 की लागत से इस स्कूल का संधारण हुआ। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, बच्चे कितने खुश हैं। व्यवस्थाएं अच्छी होनी चाहिए, व्यवस्था अच्छी होगी तभी हर काम व्यवस्थित होगा। जैसे हम अपने घर को कैसे व्यवस्थित रखते हैं, तो सब व्यवस्था अच्छी चलती है। स्कूल में बच्चे पढ़ने आते हैं, बहुत विश्वास से माता पिता भेजते हैं कि हमारा बच्चा जहाँ पढ़ने जा रहा है तो वहाँ सुरक्षित भी रहे, अच्छी पढ़ाई भी हो, अच्छे शिक्षक भी हो। तो उस लिहाज, उस हिसाब से हमने इसको पूरा ध्यान में रखा और यहाँ पर ये राशि स्वीकृत कराई। उसके पहले भी हमने बहुत से काम यहाँ पर करवाए हैं, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी, उसकी व्यवस्था, शौचालय बन रहा है, जितनी आवश्यकताएं बच्चों को, प्राचीन समय तो चल गई, अब वर्तमान समय में जो जो आवश्यकता है, प्राथमिकता है, उस प्राथमिकता और आवश्यकता को हम पूरा कर रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।